मेरी मिल्क शेक की वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है द एक्सपर्ट गार्डियन। गर्मी में अक्सर हमारा ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का या खाने का मन करता है, पर अगर मिल्कशेक जैसा हेल्दी ड्रिंक हो तो बात ही क्या है। तो आज हम बनाएंगे 6 अलग अलग तरह के रिफ्रेशिंग और कूल मिल्कशेक्स फ्रूट्स डालकर। बच्चों को तो मिल्कशेक वैसे ही बहुत पसंद होते हैं और अगर उनके मन पसंदीदा फ्रूट डालकर मिल्कशेक्स बनाए जाएँ तो बच्चे उसे टेस्ट के साथ पीते हैं और बड़े शौक से पीते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बनाना शुरू करते हैं 6 डिफरेंट टाइप्स के शेक। सबसे पहले हम बनाते हैं आज मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने एक मैंगो का पल्प लिया है, इसको डाल देते हैं फ्रिज इसमें मिक्सर में। इसके ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी, लगभग मैं 2 चम्मच के करीब चीनी डाल रहा हूँ। चीनी डालने के बाद इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा रोज शरबत। रोज शरबत डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अभी दूध हम ज्यादा नहीं डालेंगे, दूध बिल्कुल थोड़ा सा डालना है मैंने। दूध डालने से क्या होता है, जब मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करूंगा अभी तो इसमें इसके लंप्स नहीं बनेंगे। तो चलिए अब इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा ऐसे ग्राइंड कर लिया है, बीच में हल्के लिए अगर लम्ब भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुंह में जब हमारे आम आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ दूध, लगभग मैंने लिया है ये 1 गिलास, और आइस क्यूब। आइस क्यूब में कम डालना क्योंकि दूध मैंने पहले से ही चिल्ड लिया है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने पहले स्टार्टिंग में पूरा दूध 1 कप इसलिए नहीं डाला था, थोड़ा दूध डाला था क्योंकि दूध मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा था और ठंडे दूध के अंदर चीनी भी आसानी से नहीं घुलती है। तो अब दूध अब हम बाद में डाल रहे हैं और थोड़ी सी हम डाल रहे हैं आइस क्यूब इसमें। अब हम इसको शेक को ग्राइंड करते हैं। हम शेक को डाल देते हैं सर्व करने के लिए गिलास में। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हमारा शेक तैयार हुआ है। अब हम बनाते हैं फटाफट बनाना शेक। इसमें डाल देते हैं हम पीसेस करे हुए बनाना के। साथ में डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। थोड़ा सा डालते हैं इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा दूध। दूध हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है इसमें भी। तो चलिए अब हम इसको करते हैं ग्राइंड मिक्सर में। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध और थोड़ी सी आइस और इसको अब दोबारा से ग्राइंड करके बना देते हैं अपना बनाना शेक। ये देखिए बनाना शेक हमारा बन गया है। अब हम इसको निकाल देते हैं गिलास में सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं चीकू शेक। सबसे पहले मैंने इसमें डाले हैं लगभग 3 चीकू के करीब, इनको छिल के मैंने ऐसे पीसेस करके डाल दिया है। और थोड़ी सी डालूंगा इसमें मैं कॉफी, लगभग 1/2 चम्मच के करीब कॉफी डाल रहा हूं। 2 चम्मच के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने आपको बताया था, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डालता हूं इसमें इलायची पाउडर और अभी हम डालेंगे थोड़ा सा दूध ताकि इसकी ग्रैनुल्स खत्म करने के लिए इसके लंप्स ना बने। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड और लास्ट में। अब ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ दूध और इसको अब अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके बनाऊंगा अपना चीकू शेक। चीकू शेक हमारा बन गया है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं गिलास में सर्व करने के लिए। चलिए अब हम बनाते हैं पपाया शेक। इसमें मैं पपाया के कटे हुए पीसेस डालूंगा पहले मिक्सर में। साथ ही चीनी स्वाद अनुसार थोड़ा सा डालेंगे इसमें इलायची पाउडर टेस्ट के लिए। इलायची पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे शेक का। और थोड़ा सा
दूध डाल के इसको हम अब मिक्सर में करते हैं ग्राइंड। ये पपाया हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, चीनी भी मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ 1 गिलास दूध और थोड़ी सी आइस और इसको बनाना शेक को ग्राइंड करते हैं। अब हम पपाया शेक को शिफ्ट कर देते हैं सर्विंग ग्लास में। हमारा शेक हो गया तैयार। तो चलिए अब हम बनाते हैं चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक में मैंने लिए हैं चॉकलेट बिस्किट, इनको मैं फटाफट तोड़ के डाल रहा हूँ अब मिक्सर में। थोड़ी सी मैं डालूंगा इसमें चीनी लगभग 1.5 चम्मच के करीब, थोड़े से चॉकलेट ग्रैनुअल्स, थोड़े से डाल देते हैं इसमें चॉकलेट के ग्रैनुअल्स। अगर आपके पास चॉकलेट के ग्रैनुअल्स नहीं है तो आप इसमें बोनविटा या बूस्ट या माल्टोवा कुछ भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें भी डाल रहा हूँ दूध। दूध डाल के मैं इसको कर लेता हूँ अच्छे से ग्राइंड। और अब लास्टली इसमें मैं डाल रहा हूँ दूध और दूध डाल के इसको दोबारा से मिक्सर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेता हूँ। ये चॉकलेट शेक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ सर्विंग गिलास में और इसको सर्व करता हूँ। अब हम बनाते हैं ऑरेंज बिस्किट शेक। ऑरेंज बिस्किट शेक बनाने के लिए मैंने क्रीमी बिस्किट लिए हैं ऑरेंज फ्लेवर वाले, इनको भी मैं ऐसे क्रश करके जार में डाल देता हूँ। और डालते हैं इसमें चीनी लगभग 1.5 चम्मच के करीब और साथ में ऑरेंज फ्लेवर, इलायची पाउडर और थोड़ा सा दूध और इसको अब मैं मिक्सर में ग्राइंड करता हूँ। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट बन गया इसका। अब मैं इसमें दूध डाल के इसको दोबारा से मिक्सर को मिक्सर में ग्राइंड करता हूँ और हमारा शेक बन के तैयार हो गया है ये भी ऑरेंज वाला। अब हम शेक को निकाल लेते हैं ग्लास में और इसको करते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे 6 के 6 शेक्स तैयार हो गए हैं। अब बस हम इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी डालते हैं टॉपिंग्स और इनको करते हैं सर्व। बनाना शेक के ऊपर मैंने थोड़े से बनाने के छोटे छोटे पीसीस डाल देता हूँ। मैंगो शेप के ऊपर मैंगो के पीसीस छोटे छोटे और पपाया के ऊपर पपाया। चॉकलेट शेप के ऊपर मैंने चॉकलेट के थोड़े से ग्रैनुल्स डाल दिए हैं। थोड़ी सी चॉकलेट शेप मैं इसके ऊपर चीकू वाले के ऊपर भी डाल रहा हूं। जो मेरा बिस्किट वाला था उसके ऊपर थोड़े से बिस्किट के ग्रैनुल्स और इनके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ कोको पाउडर। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो भी आपने इसमें टॉपिंग्स डालनी है। और बिना ड्राई फ्रूट के तो मज़ा नहीं आने वाला, आपको पता है बिना ड्राई फ्रूट के तो हमारा टॉपिंग अधूरा रह जाता है। तो फिर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट से मैंने लिए हैं काजू बादाम किशमिश। और लास्ट में इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगा टूटी फ्रूटी मैंगो शेक पर, बनाना शेक पर, पपाया शेक पर और ऑरेंज शेक पर। ये देखिए इतने बढ़िया लग रहे हैं हमारे सारे शेक। सर खाने में उतना ही, पीने में इनको उतना ही मजा आने वाला है। बंद कर दे। तो फ्रेंड्स देखा आपने ये रिफ्रेशिंग मिल्क शेक्स बनाने कितने आसान है। इनको आप अपने घर पे बनाइए और अगर आप इसे बच्चों के फेवरेट फ्रूट डालकर बनाते हैं तो बच्चे इन शेक्स को बड़े टेस्ट के साथ पीते हैं। तो अब आप फटाफट इन सभी शेक्स को घर पे ट्राई कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा आपने शेक्स घर पे बनाए, इनका टेस्ट कैसा लगा, बच्चों ने कितने शौक से पिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और मैसेजेस आपके पास आते रहें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में दिए गए लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।